Hey my beauties and lovelies, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे हो and safe हो. आज की वीडियो पे मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ह्यूज नायका हॉल. मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट जो है नायका से परचेस किया है, तो ये जो प्रोडक्ट है ना मैंने रिसेंटली परचेस नहीं किया है. कम से कम मुझे एक दो महीना में मैंने जितना भी प्रोडक्ट परचेस किया है सब कुछ का आज मैं एक वीडियो में करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं कर रही थी. मैं अपनी होम टाउन में गई थी इसीलिए. तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो नाउ विदाउट एनी मोर ब्लैबरिंग लेट्स बिगिन. तो गाइस अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैंने नायका से क्या क्या प्रोडक्ट परचेस किया है. सबसे पहले मैं बात करूंगी मैंने क्या क्या रिपर्चेस किया है, उसके बाद मैं न्यू प्रोडक्ट की बात करूंगी. तो सबसे पहले जो मैंने परचेस किया है, दिस इज फ्रॉम हेड एंड शोल्डर का एंटी डैंड्रफ शैम्पू. मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है ये शैम्पू, और ये मेरा थर्ड टब है. इससे पहले मैंने और दो टब मैंने मतलब यूज कर चुकी हूँ ऑलरेडी. अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखोगे तो वहां पे मैंने शेयर किया था इस शैम्पू के बारे में. बहुत अच्छा है गाइस, और मैंने सबसे बड़ा वाला जो पैकेट है ना इस बार वही परचेस किया है. बहुत पसंद है मुझे ये. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई परचेस फ्रॉम नायका, ये मेरा सेकेंड रिपर्चेस है. दिस इज निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम. दिस इज सच अ गुड मॉइस्चराइजर क्रीम. कोई भी सीजन हो, लाइक विंटर सीजन, समर सीजन, कोई भी सीजन हो, मुझे ये वाला जो क्रीम है वो चाहिए. एंड आप लोग देख सकते हो कि मैंने अभी तक पैकेज जो है वो ओपन नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैं एक यूज कर रही हूँ. तो या ये मैंने बैकअप के लिए रख दिया है. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने नायका से परचेस किया है, दिस इज अगेन अ रिपर्चेस प्रोडक्ट, और ये है लोटस हर्बल का एप्री स्कर्ब. मुझे बहुत 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 पसंद है ये वाला स्कर्ब. ये इसे लगाने से ना मेरा स्किन का जो डेड स्किन है ना वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है. मुझे बहुत पसंद है गाइस. तो गाइस अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या न्यू प्रोडक्ट जो है परचेस किया है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैंने कंडीशनर परचेस किया है. दिस इज फ्रॉम रिक्विल, और ये है मुरुमुरु डैमेज रिपेयर कंडीशनर. मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को पर्टिकुलरली इस कंडीशनर के बारे में बात करते हुए सुना है कि दिस इज सच अ गुड कंडीशनर, तो इसीलिए मैंने इसे परचेस किया है. अभी तक मैंने इसे यूज नहीं किया है. तो यस गाइस, मैं इसका अलग से इंडिविजुअल रिव्यू जरूर मैं अपने चैनल पे लाऊंगी कि मुझे ये यूज करके कैसा लगा. नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है, दिस इज अ निविया मेन का एक्टिव क्लीन शावर जेल. इसे मैं वन मंथ पहले ही परचेस कर लिया था और मैं इसे यूज कर रही हूँ. ये मेन शावर जेल है, लेकिन बहुत अच्छा एक चारकोल शावर जेल है गाइस. और इसका जो प्राइस है ना ये भी बहुत यू नो अफोर्डेबल रेंज में है. 199 रुपीज है इसका प्राइस, लेकिन आप लोग इसे डिस्काउंट में और थोड़ा कम में आप लोग इसे ले सकते हो. मुझे बहुत अच्छा लगा. नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है, दिस इज फ्रॉम मामा अर्थ का एलोवेरा जेल, और मैं इसे करेंटली यूज कर रही हूँ. आप लोग देख सकते हो कि इतना तक जो है वो फिनिश हो चुका है. और मैंने इस पर्टिकुलर जेल के ऊपर में मैंने एक अलग सा वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है. अगर आप लोग ने नहीं देखा हो तो मैं अपने आई बटन पे लिंक डाल दूंगी, आप लोग जाके वहां से चेक कर सकते हो. दिस इज अ गुड मतलब एलोवेरा जेल गाइस. आप लोग अगर एक अफोर्डेबल रेंज पे एलोवेरा जेल ट्राई करके देखना चाहते हो ना, देन यू कैन गो एंड ट्राई आउट दिस प्रोडक्ट. ओके, तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मैंने प्रोडक्ट परचेस किया है, दिस इज फ्रॉम लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेयर सीरम. मैंने मिनी साइज जो है वो परचेस किया है, और मैं इसे कम से कम एक मंथ हो गया है जो मैंने इसे यूज ऑलरेडी कर रही हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगा है गाइस. आप लोग देख सकते हो कि मैंने हाफ बॉटल जो है वो फिनिश कर लिया है. बहुत अच्छा है. मैं इसका ऊपर भी एक अलग सा रिव्यू वीडियो अपने चैनल पे जरूर लाऊंगी. तो नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है, ये है लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का शीट मास्क. ये भी बहुत ज्यादा हाइप प्रोडक्ट है गाइस. मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखा है कि इस प्रोडक्ट के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हुए, तो इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को परचेस किया है. नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है, दिस इज लैक्मी पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम. तो ये जो प्रोडक्ट है मैंने इसे भी वन मंथ पहले ही परचेस कर लिया है. आप लोग देख सकते हो कि मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो यूज कर लिया है, लेकिन उतना ज्यादा मुझे सेटिस्फाइड नहीं मिला है इसे यूज करने में जितना मुझे निविया का सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम यूज करने में मिलता है. तो या ये मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा है. तो अभी मैं इसे अपने बॉडी पे और अपने लेग्स पे यूज करने वाली हूँ.
तो नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट परचेस किया है ये है स्किन केयर प्रोडक्ट एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड बी मिनिमलिस्ट का 3% ट्रांसामिक एसिड। और मैंने बहुत बात सुना है कि ट्रांसामिक एसिड यूज करने पे अगर आपका फेस में कोई भी डार्क स्पॉट हो और डार्क पिगमेंटेशन हो उसे वो मतलब धीरे धीरे जो है वो रिमूव कर देता है, इसीलिए मैंने इसे परचेस किया है। क्योंकि मेरा जो लेफ्ट साइड है ना इसमें डार्क स्पॉट का प्रॉब्लम है तो मैं इसीलिए ये वाला जो प्रोडक्ट है वो परचेस किया है। नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट परचेस किया है दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड डी कॉन्ट्रास्ट का 2% अल्फा आर्बुटिन एंड 5% नायसिनामाइड। तो मुझे नायसिनामाइड बेसिकली बहुत ही अच्छा लगता है यूज करने में, तो मैं चाहती थी कि मैं अल्फा आर्बुटिन इससे पहले यूज नहीं किया है तो इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो परचेस किया है। नायसिनामाइड सीरम मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने जब मैंने देखा कि आपको अल्फा आर्बुटिन भी मिल रहा है साथ ही साथ नायसिनामाइड तो इसलिए मैंने इसे परचेस कर लिया है। एंड इसका प्राइस जो है वो 699 रुपीज है लेकिन ये भी आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने नायका से परचेस किया है वो है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का मेकअप सेटिंग स्प्रे। मुझे किसी ने कमेंट करके ये बोला है कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी और इनसाइड का जो मेकअप फिक्सर है उसका कम्पेयर करूँ, तो इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो परचेस किया है। इट फॉर टूडेज वीडियो गाइस, आई होप कि आप लोग को ये जो वीडियो है वो अच्छा लगे। सो नाउ सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।